अस्सलाम वालेकुम, आपका अपना शेफ ज़ीशान अहमद, आप देख रहे हैं जानी फूड्स पीके। आज हम आपके जो रेसिपी के लिए जो रेसिपी लाए हैं वो है बहुत ही यूनिक रेसिपी, ये सिर्फ फर्स्ट टाइम जानी फूड्स पीके बनाने लगे। स्टफ़ मशरूम चिकन। स्टफ़ मशरूम चिकन के लिए हमने 200 ग्राम लिया है बोनलेस चिकन, उसका हमने कीमा कर लिया, चॉप कर लिया उसे। उसके लिए दड़ा मिर्च, ब्लैक पेपर, साल्ट, मशरूम, ऑनियन चॉप किया हुआ, 3 से 4 अदद हरी मिर्च और ब्लैक ओलिव। सबसे पहले जो हमने इसके अंदर सीजनिंग ऐड करनी है, ग्रीन चिली जो 3 से 4 अदद हमने चॉप की थी, और एक छोटा प्याज चॉप किया होगा, ब्लैक पेपर 2 से 3 इंच, ज़्यादा आपने इसके अंदर नहीं डालनी क्योंकि स्पाइसी नहीं होता, दड़ा मिर्च 2 से 3 इंच, साल्ट हसबे ज़ायका, कॉर्नफ्लोर है 1 टेबल स्पून, और जो एग है उसकी आपने कोशिश करनी है कि सफ़ेदी जो है हाफ एग की सफ़ेदी इसके अंदर ऐड हो। आपने कोशिश करनी है जो प्याज है वो आपका बहुत ही बारीक फाइन चॉप हो, ग्रीन चिली भी चॉप हो आपकी। आप स्पाइसी करना चाहते हैं स्पाइसी कर लें, लेकिन ये बिल्कुल लाइट फूड होता है। ये अच्छे से हमने इसे मिक्स करके साइड पे कर दिया। अब हमने लिए 3 अदद चीज़ स्लाइस, आप इसे एक तरह चीज़ भी ले सकते हैं, 3 अदद काफ़ी है। मुझे बिल्कुल आपने लाइट सी जो चीज़ है इसके अंदर स्टफ़ करनी होती है मशरूम के अंदर। अब इसके अंदर भी आप 1 से 2 इंच या हसबे ज़ायका दड़ा मिर्च और ब्लैक पेपर 1 इंच, आपने ज़्यादा नहीं इसे करना स्पाइसी। ब्लैक ओलिव है 50 ग्राम, इसे आपने चॉप कर लेना जी, इसे आपने अच्छे से फाइन चॉप कर लेना जी ब्लैक ओलिव्स को। इसे आपने मैश कर लेना बड़े अच्छे तरीके से, मिक्स कर लेना। अगर ये चीज़ फ्रोज़न होती तो हमें इसे क्रश करनी पड़नी थी, लेकिन हमारी खुशकिस्मती है कि गर्मी या गर्मी की वजह से चीज़ हमें क्रश नहीं करनी पड़ी। ये भी हमारा रेडी है चिकन भी। अब आपने करना है थोड़ा सा चिकन लेना है, कोशिश करें एक बॉल पानी लगा लें। अगर आपका चिकन जो ताज़ा है फ्रेश है बगैर पानी से है तो आप पानी को पास रखें, लाइट सा पानी अपने हाथों पे लगाना है, जिसके छोटे छोटे से आपने टिक्की टाइप बना लेनी है जैसे चपली को आप बनाए जाते हैं। इसके अंदर एक आपने मशरूम रखना है, मशरूम के अंदर आपने ऐसी चीज़ रखनी है, तो देखते रहिए जी चीज़ रखने के बाद आपने इसे से ऐसे छोटी सी गोली टाइप बना लेना है। ये देखें ले जी हमारे ये चाल जो चिकन स्टफ चिकन मशरूम है वो रेडी हो चुके हैं। जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है नाज़रीन हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं वहीं से स्टार्ट। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम वापस आ चुके हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्रंची जो है वो भी होते हैं क्रंची स्टफ बॉल, तो हमारे प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि आप साथ वो भी 2 बना दें और साथ 2 ये बना दें, तो उनकी फरमाइश पे जी 2 हम वैसे ही आपको साथ साथ ये हाफ डन होते रहेंगे जी। और ये 7-2 करंचे भी आपको बताते हैं। एग एक आपने ले लेना, एक एग ले लेना,
एग के साथ ब्रेड क्रम लिया आपने, ब्रेड क्रम के साथ इसे अच्छा सा आपने गोल कर लिया, ये क्रंची भी रेडी हो गई। ये दो बोल हमने जो ऐसे आपको डाल दिए थे, ये दो क्रंची भी हम साथ ही इसके अंदर डाल रहे हैं ताकि दो डिफरेंट स्टाइल में हो जाए। आपने इसे डाल के एक से दो मिनट के लिए इसके अंदर छोड़ देना। साथ हमने एक फ्राई पैन ले लिया इसके प्रेजेंटेशन के लिए जो हम लगाने लगे हैं, ऑयल डाला आपने, ऑयल हमारा गर्म हो गया, इसके अंदर आपने ये एग डाल देना। बिल्कुल लाइट सी आग पे आपने एग फ्राई करना है और लाइट ही आग फ्लेम पे आपने ये बॉल फ्राई करना है। आप इसे निकाल के एक से दो मिनट के लिए स्ट्रेन कर लें ताकि इसका ऑयल है वो जो जज़ब हो जाए। ये प्रेजेंटेशन है जी बहुत अच्छे तरीके से। ये देखें जी हमारे जो है स्टफ्ड मशरूम चिकन रेडी हो चुका है। जी नाजरीन जो हमारी रेसिपी है जो रेडी हो चुकी है जी, ये हमारी क्रंची स्टफ मशरूम और ये चिकन स्टफ मशरूम। जी नाजरीन हमारी रेसिपी जो रेडी हो चुकी है, की बात की हमारी चैनल जानी फूड्स पीके, इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाजिर होंगे, देखते रहिए जानी फूड्स पीके।